हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स, और बहुत दिन से आप लोग का इंतज़ार था, वो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप समझ गए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास के मैथ्स की जान है कह सकते हो आप, क्योंकि 11th क्लास में जो मेजर पोर्शन है वो त्रिकोणमिति है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको 12th क्लास में जब कैलकुलस पढ़ना होगा तो बिना ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प के आप कैलकुलस अच्छा नहीं पढ़ सकते। इसलिए आपका मैं 12th क्लास में जब कैलकुलस पढ़ाता हूँ तो उन लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि भाई 11th के बाद आप रिवाइज़ करो, या 11th क्लास में जो मैं वीडियो बनाऊँगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए वो एक बार आप ज़रूर देखो। तो मैं आपका ट्रिग्नोमेट्री, हालांकि आप लोगों ने 9th या 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके उसके बेस को स्ट्रांग करने का कोशिश करूँगा। और अभी शुरुआत के हमारे एक दो वीडियो कम्प्लीटली ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पर होंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, जो हमको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना चाहिए, वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों की माप, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर कोणों की माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो सबसे पहले हम ये देखें कि भाई एक्चुअल में कोण होता क्या है, व्हाट इज एंगल। हमको ये समझना है कि हम कोण बार बार बोलते हैं तो कोण होता क्या है, एंगल किसे कहते हैं। तो एंगल का समझ तो हर किसी को होता है, लेकिन प्रॉपर वे में यदि हम एंगल बोलें तो एंगल होता क्या है, कैसे होता है। देखो, सपोज ये एक रे है, ये किरण है, सपोज ये मैंने एक किरण लिया सपोज ए बी, और मैंने यही ऐसे ही एक दूसरी किरण लिया सपोज ए सी। ये दो रे मैंने लिया, टू रेज ए बी एंड ए सी, और मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो सी है वह ए सी जो है ए बी के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, किस दिशा में वो गति कर रहा है। तो हमको इनके बीच का जो झुकाव होता है, ये झुकाव है, इसको मैं थीटा से प्रदर्शित कर दिया, यही एंगल है। दैट मीन्स बहुत इजी लैंग्वेज में हम यदि कोण को बोलें तो किसी एक रेखा का किसी दूसरे रेखा के सापेक्ष जो झुकाव होता है, इंक्लिनेशन ऑफ ए रे विथ रेस्पेक्ट टू एनदर रे इज एंगल, वास्तव में वो कोण होता है। मतलब एक रेखा का दूसरे रेखा के सापेक्ष का होता है झुकाव, इसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और एक्चुअल में एंगल हमको बताता क्या है, डायरेक्शन बताता है। एंगल के हेल्प से हमको पता चलता है उसकी दिशा। इस प्रकार से ये कोण है, कोण का सामान्य कॉन्सेप्ट, बहुत इजी लैंग्वेज में। अब हम इसको देखते हैं, इसके मापने की प्रणाली, कोणों के मापन की प्रणाली, मतलब सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, कोणों को मापने के हमारे पास क्या क्या सिस्टम है ये हमको समझना है, ठीक है। तो इसको मापने के तीन सिस्टम अपने पास हैं। सबसे कहलाता है सेक्साजेसिमल, हिंदी में उसको बोलेंगे सेक्साजेसिमल, सास्टिक बोलते हैं हिंदी में, थोड़ा ध्यान रखना ना, हिंदी नाम कठिन है, बल्कि सास्टिक प्रणाली। अभी मैं सबको समझा रहा हूँ क्या है ये सिस्टम, नाम जानना जरूरी है आपको। ये एक्चुअल में ब्रिटिश सिस्टम है, इसको आप ब्रिटिश सिस्टम भी कह सकते हो। और सेकंड जो सिस्टम कहलाता है, इंग्लिश या ब्रिटिश सिस्टम, फर्स्ट सेंटीसिमल, सेंटीसिमल एस आई एम एल रहता है, सेंटीसिमल, इसको हम बोलते हैं सास्टिक, और ये हिंदी में हो जाएगा सतिक। एक्चुअल में ये फ्रेंच सिस्टम है, ठीक है, फ्रेंच का या फ्रांस का कह सकते हैं। क्यों फ्रेंच क्यों इंग्लिश कहते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। और थर्ड है सर्कुलर, सबसे इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट वृत्ति, ये नाम के हैं। अब देखो ये क्या क्या है, ब्रिटिश लोग अंग्रेज लोग जहाँ जहाँ शासन किए, आपको मालूम है फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है सिस्टम की प्रणाली, सी जी एस ए पी एस एम की एस, तो
तो जहाँ जहाँ उनका शासन था उन लोग अपना सिस्टम चलाते थे, तो मेजरमेंट को भी एंगल करने के लिए उन लोग ने सेक्सागेसिमल सिस्टम चलाया जिसको हम शास्टिक प्रणाली कहते हैं। और दूसरा जो जहाँ जहाँ पर फ्रांस का फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, जहाँ पर फ्रांस की क्रांति हुई, वहाँ पर सेंटिसिमल सतिक उन्होंने बनाया। और अब मॉडर्न टाइम में सर्कुलर चलता है वृत्ति, लेटेस्ट यही है, यही चलता है। और ये तो पूरा आउटडेटेड हो गया है सेंटिसिमल। तब ये होता क्या है, देखो शास्टिक प्रणाली को क्या किया गया, ये जो हमारे घड़ी की सुई होती है, इस प्रकार से घड़ी में हम यहाँ जीरो से फिर 90 इस तरह से जो मेज़रमेंट करते हैं, इसीलिए इसको शास्टिक बोला जाता है। इसको फोर पार्ट में, मतलब डिग्री और रेडियन। तो शास्टिक प्रणाली में जो सबसे बड़ा यूनिट होता है डिग्री, मतलब जैसे वन राइट एंगल एक समकोण इक्वल टू 90 डिग्री, और वन डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ये मिनट का सिंबल है, ध्यान रखना, इसीलिए इसको शास्टिक बोला जाता है, क्योंकि 60 के बेस पर अपन पढ़ते हैं। और उसके बाद वन मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकंड। तो ये ध्यान रखना, ये शास्टिक प्रणाली का मेजरमेंट करने का यूनिट है। एक समकोण बराबर 90 अंश, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, वन डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, वन मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। अभी सब में कन्वर्सन आपको सिखाऊंगा मैं। देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल बहुत इजी है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल बातें ऐसे हैं जिसको मेरा इतना लॉन्ग एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट को आता ही नहीं, फिर कन्वर्ट करना नहीं आता, वो आज मैं सिखाऊंगा आपको। दूसरा है सटीक, एक्चुअल में ये ग्रेड सिस्टम कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं, 100 के बेस पर, मतलब इसमें जो वन राइट एंगल होता है, एक समकोण मतलब 90 अंश, ये 90 अंश उसको बोलते हैं, वो 100 ग्रेड कहलाता है, 100 g। इस तरह से 90 डिग्री की जगह 100 ग्रेड होता है, और वहाँ पर वन ग्रेड पावर में g लिखते हैं, वन ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, और वन मिनट इक्वल टू 100 सेकंड। तो 100 के बेस पर होता है, ये कहलाता है सटीक। सटीक माने 100, शास्टिक माने 60, सटीक माने 100। और ये जो सर्कुलर होता है, ये होता है रेडियन। अभी आपको बताऊंगा मैं रेडियन, इसको हम पाई रेडियन से प्रदर्शित करते हैं, पाई के पावर में सी लिख देते हैं, या खाली पाई ही लिख देने से पाई रेडियन इसका मतलब होता है। इस प्रकार से क्या होता है, मापन की तीन प्रणाली होती है, और कौन कौन से प्रणाली में हम कैसा मेजरमेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये तो आप छोड़ दो सटीक को, उसका यूज़ नहीं करना है कहीं पर। ये जो ब्रिटिश और हमारा जो सर्कुलर है, ये दोनों में संबंध किस प्रकार का होता है, इस संबंध को अपने को समझना है पाई और रेडियन में। तो इससे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रोसेस सिखा दूँ कि डिग्री को मिनट में और सेकंड में किस प्रकार से हम प्रोसेस करते हैं। बहुत से स्टूडेंट को ये बिल्कुल भी नहीं पता रहता, और क्वेश्चन में वो कर नहीं पाते उसको। तो मैं सबसे पहले आपको सिखा रहा हूँ इस पर बेस्ड कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये मैं इरेज करता हूँ, ये तो इंट्रोडक्शन है इसका। और चलिए अपन देखते हैं कि किस तरह से सेक्सागेसिमल में हम प्रक्रिया प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। कर लेना अच्छे से, क्लियर। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको उनका जोड़ना, एडिशन, कि हम उसको जोड़ते कैसे हैं, मैं चार्ट फॉर्म में इसको समझा रहा हूँ। दूसरा घटाना, सब्ट्रैक्शन, इसके बाद थर्ड आपको बताऊंगा उसका गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन, कि किस प्रकार से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बहुत यूनिक नॉलेज है, ध्यान से समझना। और नेक्स्ट है इसका भाग, डिवीजन। ये तो इनका जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। मैं एक एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, और इसकी सहायता से मैं सबके प्रोसेस को आपको समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं जोड़ने का यहाँ पर एक एग्जांपल लिया। सपोज मेरे को जोड़ना है 105 डिग्री 45 मिनट और 50 सेकेंड। इसमें मेरे को जोड़ना है 15 डिग्री 25 मिनट और 40 सेकेंड। ये आसान है, जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन सभी प्रोसेस को मैं आपको समझा रहा हूँ। इनको मेरे को जोड़ना है। घटाने में एक एग्जांपल दिया, मान लो मेरे को 90 अंश में
35 डिग्री 25 मिनट और 20 सेकंड को माइनस करना है। ये माइनस करना है मेरे को 90 डिग्री में, इतना माइनस करने का आपको ज़रूरत पड़ गया कहीं पर, कैसे माइनस करोगे। मल्टीप्लीकेशन में देखो एक एग्जांपल लेता हूँ इजी सा, 40 डिग्री 20 मिनट और सपोज 40 सेकंड, इसमें मेरे को सिंपल 2 मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका डिवीज़न, तो डिवीज़न में मान लो मेरे को 21 डिग्री 32 मिनट और 17 सेकंड में डिवाइड करना है सपोज 2 को। इस तरह से मैंने आपको 4 एग्जांपल लिया। अब देखो इसको जोड़ते कैसे हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग, यही इसका बेस है। और मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा है कि यही चीज़ स्टूडेंट नहीं समझते। पूरा पढ़ लेंगे, कोणों की माप पढ़ लेंगे, पूरा एंगल ऑफ मेजरमेंट पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा कहीं पर पोजिशन आ जाए यहाँ पर, तो उनसे सॉल्व करते नहीं बनता, जिसके कारण इसके क्वेश्चन बनाने में परेशानी होती है। तो आज के क्लास में इन्हीं सब बेसिक चीज़ को मैं आपको बताऊँगा और नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन कराऊँगा। चलिए इसको जोड़ने का रूल क्या है, सिंपल सा रूल है, सब अपने अपने साथी के साथ में ऐड होंगे। साथी के साथ मतलब सेकंड सेकंड के साथ, मिनट मिनट के साथ और डिग्री डिग्री के साथ में ऐड होगा, ठीक है। इस तरह से कैसे ऐड होगा, 50-40 के साथ ऐड होगा, कितना हो गया 90 सेकंड, क्लियर। ये हो गए तो 5-5 10 और 5-7 70, ये हो गया 70 मिनट और ये हो गया 0 और 2 और ये 120 डिग्री, इतना हो गया। लेकिन अभी ये एडिशन यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, यही पर समझना है आपको। ऐसा नहीं कि इसको जोड़ दिए और इसको आंसर लिख दिए, अभी ये अधूरा है। अधूरा कैसे है, कैसे आगे साल होगा, देखो ये साल होता है यदि लास्ट वाला जो सेकंड है वो 60 से ज़्यादा हो गया। और अभी मैंने आपको बताया कि 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट होता है, तो यहाँ से 60 को हम लेंगे, ध्यान देना ना, यहाँ से हम 60 को लेंगे, 60 को, और उसको बना देंगे हम क्या, मिनट। तो 60 यहाँ से माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 30 सेकंड, और ये जो 60 सेकंड लूँगा 1 मिनट बनेगा और इसमें आके ऐड हो जाएगा, ये हो गया 71 मिनट और 120 डिग्री। लेकिन अभी भी ये इनकम्प्लीट है, कैसे, क्योंकि ये 60 से ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, ये तो 30 सेकंड है ही है, इसमें से 60 को माइनस करो तो 60 इसमें से माइनस करेंगे तो 11 मिनट बचेगा, और 60 जो मिनट है वो बन जाएगा इधर आके 1 डिग्री और यह हो जाएगा 121 डिग्री। ये इसका फाइनल आंसर होगा, ये चीज़ आपको आना चाहिए और कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले इनको मिनट को मिनट के सेकंड सेकंड सब में ऐड कर दो, जोड़ दो, और यदि कोई भी 60 से ज़्यादा है तो उसके 60 को बगल में ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसके डिग्री के बाद तो इधर कुछ मतलब नहीं, आगे होगा समझ में, क्लियर। अब यहाँ पर देखो, आप सोचो कि सर ये जो एग्जांपल लिखे हो 90 डिग्री, इसके पास तो मिनट और सेकंड है ही नहीं है, इसके पास मिनट और सेकंड है तो कैसे माइनस होगा। इसलिए मैं जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया, मिनट और डिग्री देते तो आप फटाफट उसको माइनस कर देते, जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया आपको समझा सकूं करके। तो इसको क्या करेंगे, इसमें हम मिनट और सेकंड पैदा करेंगे, जनरेट करेंगे, कैसे। 90 को मैं लिख लिया 89 डिग्री, 89 डिग्री लिया तो और कितना मिनट उसके पास आ गया, 60। मैं इसको लिख सकता हूँ मैं 60 मिनट, सही है ये 60 मिनट और 89 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, आ रहा समझ में। अब इसमें सेकंड भी मेरे को जनरेट करना है तो इसको मैं लिख दिया 59 और इसके 1 मिनट को मैं सेकंड बना दिया 60। ये चीज़ आपको करना आना चाहिए, मतलब हम 90 डिग्री को 89 डिग्री, 59 मिनट और 60 सेकंड भी लिख सकते हैं, क्लियर। इस तरह से हमने उसको जनरेट किया, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैंने ये एक स्पेशल एग्जांपल लिया है। अब इसके नीचे इसको लिख दो, बाकी काम आसान है, 35 25 और 20। अब इसको माइनस करें अपने अपने साथी के साथ में, तो आसान काम, इसमें तो सेट करने का चक्कर ही नहीं, 60 में 20 गया तो 40, यहाँ से 9 ये हो गया 4 और 5 में से 2 तो 3 ये हो गया, क्लियर। और यहाँ से ये 4 इसमें से और ये हो गया 54 डिग्री, इतना ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात था ये जो मैंने बताया कि कैसे उसमें मिनट डिग्री लाना है, आ गया समझ में। मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, देखो मल्टीप्लीकेशन भी सब पहले पहले अपने अपने साथी के साथ में कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन,
ठीक है, आसान है ये। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया 80। ये ऐसा नहीं कि इसके साथ मल्टीप्लाई के जो बाय इसको हासिल लाए उधर ऐसा ऐड नहीं होते ना, इसमें सबका सेपरेट मल्टीप्लाई होगा। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा 40 हो गया, इसके साथ होगा तो 80 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर यदि 60 से ज़्यादा है तो इसके पास ट्रांसफ़र कर दो, तो 20 बचेगा और एक इसके पास जाएगा। अब तो समझ गए हो आप ये, और ये तो 60 से कम ही है तो 80 डिग्री ये इसका आंसर होगा। क्लियर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है डिवीज़न, भाग करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कुछ उटपटांग टाइप का डेटा वहाँ पर लिखा हूँ। देखो भाग कैसे करते हैं, थोड़ा ज़्यादा जगह जरूरत पड़ेगा, मैं ये ले लिया 21 डिग्री 32 मिनट 17 सेकंड और मैं डिवाइड किया 2 से। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा लिख दिया मैं 2 टेंजा लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो हो गया 20 और इसको माइनस किया तो 1 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 डिग्री में 2 तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसमें डेसिमल लगा के हम यहाँ पर तुरंत उसको डिवाइड करना शुरू नहीं करते, यह तो डिग्री हो गया। अब यह 1 डिग्री मतलब कितना है, 60 मिनट। ध्यान से सुनना, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन सीखना है। तो 1 डिग्री को मैं 60 मिनट बना दिया और मेरे पास जो मिनट था उसको भी यहाँ पर ले लिया, तो ये हो गया 92 मिनट। ऐसा करना है आपको, ये जो रिमाइंडर था शेषफल था 1 डिग्री, उसको 60 मिनट बनाया। समझ में आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। तो 60 मिनट में, फिर उसके बाद 60 मिनट में ये 32 मिनट को ला के इसमें ऐड किया मैं, तो 92 मिनट हो गया। अब 92 में इसको डिवाइड करो तो हो गया 4 जा ठीक है 8, तो ठीक है 112 नहीं और डिवाइड होगा ना, कितने टाइम डिवाइड होगा, ये 92 है तो सब में कर दो 45, सीधा 45 एक साथ कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, तो 45 कर दिया। 45 टू जा कितना हो जाएगा, नहीं नहीं 46 हो जाएगा, ये तो 46। इसमें मैं थोड़ा सा डेटा को बदल देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, तो क्योंकि मैं आपको लास्ट तक सिखाना चाह रहा हूँ, उसको यहीं पर डिवाइड हो जाएगा तब तो मज़ा नहीं आएगा। इसको मैं 33 कर दिया, ये 33 कर दिया तो 93 हो गया, तो 46 में कितना हो जाएगा 92 हो गया ये। क्लियर क्लियर ना 92। अब फिर मैं यहाँ पर 1 बचा दिया, मैं आगे सिखाना चाह रहा था आपको, इसलिए सके कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा तो काम वहाँ रुक जाएगा ना। अब 1 मिनट हो गया, लेकिन अब 2 है, तो अब क्या करोगे, इसको सेकंड में चेंज करोगे 60 सेकंड। जैसे यहाँ पर आपने 1 डिग्री को 60 मिनट बनाया था 60 सेकंड, और 17 को ला के यहाँ पर ऐड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 77। अब इसमें डिवाइड करो ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 36 ना 38 होगा। अब तो लास्ट डिवीजन है 38 में, देखो 8 2 16 और 3 2 6 है 76, 1 बचा ये। क्लियर। तो ये 10 डिग्री 46 मिनट 38 सेकंड, फिर भी एक बचा हुआ है। अब आगे क्या करना है, इस 1 सेकंड को आप कुछ नहीं कर सकते, अब इसमें डेसिमल में ये डिवीजन होगा, क्योंकि सेकंड के आगे यूनिट होता नहीं, इसीलिए मैंने एकदम रेयर एग्जांपल लिया ताकि लास्ट तक समझा सकूं। तो अब क्या करोगे, डेसिमल लगाओगे और इसमें 0 करके 25 जा तो हो गया 5, 38.5, और 38.5 में लगेगा सेकंड। मतलब क्या बताया, पहले डिग्री, डिग्री बचेगा मिनट, मिनट बचेगा सेकंड, और सेकंड में जो बच जाएगा उसमें डेसिमल लगेगा, जैसे सिंपल डिवीजन होता है। तो यदि हम इसमें डिवाइड करें, इसको 33 कर दिया हूँ मैं, इसको डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा पता है, 10 डिग्री 46 मिनट 38.5 सेकंड, ये इसका आंसर होगा। तो डिवीजन को ध्यान से समझो, बार बार इसको रिवीजन करके रिपीट करके, कहीं पर डेटा प्लस माइनस इधर हो गया होगा तो चेक कर लेना, डिवीजन के समय ध्यान से उतर जाता है। ये है हमको डिवीजन का मेथड। तो ये
ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना तो आसान है, लेकिन डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं जानते, जिसके कारण बहुत परेशानी होती है डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में बदलने में। तो ये आप लोग इस पूरे चारों एग्जाम्पल का मेरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, एक बार में आप सीख जाएंगे। हो गया, कर लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका। चलिए अब हम देखते हैं डिग्री और रेडियन में रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, कि चेंज कैसे करते हैं और इसमें रिलेशन क्या होता है। आज के क्लास का फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी फिर आगे आपको समझ में आएगा, अदरवाइज फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं फटाफट एंगल को ऐड कर दूंगा, मल्टीप्लाई डिवीजन कर दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ऐसा लिख रहा हूं मैं, डिग्री, उसको डिग्री ही कहता हूं मैं, एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में किस तरह का रिलेशन होता है? रेडियन को हम मेजरमेंट करते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। कहीं पर भी एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये फार्मूला जहां पर भी लगाया जाएगा यह हमेशा किस में होगा? रेडियन में होगा। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि जहां पर भी ये फार्मूला लगेगा वहां जो वैल्यू आएगा वो रेडियन में होगा। अब इसमें रिलेशन क्या होता है? रिलेशन तो पाई रेडियन, रेडियन को हम पाई के पावर में सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं या पूरा रेडियन लिखते हैं, तो पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये रिलेशन आप ध्यान रखना। और हमको यदि 1 रेडियन का वैल्यू फाइंड करना है, 1 रेडियन, तो 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। अब हम यहाँ पर निकालते हैं 1 रेडियन का वैल्यू, तो 180 में पाई को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और इसका हम वैल्यू निकाल के आपको बताते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है। क्लियर? डिवीजन वगैरह अभी सिखाया, वही काम आएगा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 22/7। क्यों? क्योंकि पाई का मान होता है 22/7। जब हम उसको रेडियन के फॉर्म में पाई को निकालते हैं तो 22/7 लेते हैं, और जब पाई रेडियन के फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ध्यान रखना, यदि पाई रेडियन हो, यदि पाई रेडियन हो तो 180 अंश है, लेकिन मैं कहीं पर लिखा हूँ 2πr, तो कई बार स्टूडेंट मेरे पूछते हैं सर यहाँ पाई तो 180 डिग्री है, यहाँ पर पाई 22/7 क्यों हुआ? तो रेडियन नहीं है, ये डिस्टेंस के फॉर्म में, इस तरह पाई का दो वैल्यू होता है। यदि पाई रेडियन के फॉर्म में यूज हो रहा है तो 180 डिग्री है, और पाई यदि डिस्टेंस के फॉर्म में, इसको हम लिखेंगे 2 × 22/7 × r, ऐसा लिखेंगे। तो कन्फ्यूज मत होना, यदि पाई एंगल रेडियन के फॉर्म में आ रहा है तो 180 डिग्री है, और पाई यदि कहीं पर एरिया निकालने में काम आ रहा है या फिर कहीं पर सर्कमफेरेंस परिधि निकालने में काम आ रहा है तो 22/7 होता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसको ध्यान में रखना। कभी मैं पाई के वैल्यू पर डिटेल डिस्कस करूंगा किसी वीडियो में, ठीक है। आगे हम इसको सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 180 डिग्री × 7/22। इसको सॉल्व करें तो 2 × 11 = 219 हो जाएगा, और आगे ये हो जाएगा 630/11 डिग्री। अब आपका डिवीजन वाला काम यहाँ पर आएगा। सोचो आप यदि डिवीजन नहीं सीखे हो तो यहाँ पर आपको डिवीजन करने में फिर हालत ख़राब हो जाएगी। तो यही आपको डिवीजन करना है, आप उसको कर लेना। इसका वैल्यू कितना आता है देखो मैं बता रहा हूँ, ये हो जाएगा 57 में कंप्लीट डिवाइड होगा और प्लस 3/11 डिग्री। सुनते जाना ध्यान से, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 57 बार पूरा भाग जाएगा और शेष फले 3 बचेगा, तो 3/11। यह पूरा आप डिवाइड करके देख लेना, जो विधि मैंने आपको बताया, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप इसको डिवाइड करके देखना। मैं दूसरे ढंग से कर रहा हूँ, तो 57 डिग्री प्लस 3 में 11 को हम डिवाइड करेंगे, 3 में 11 को, तो ये तो होगा 16 प्लस, मिनट में जाएगा 16 प्लस 4/11 मिनट हो गए। 3/11 को डिवाइड करोगे तो 16 पूरा भाग जाएगा, क्योंकि 3 को क्या लिखोगे आप? 6 × 18 = 180 × 11, ये कर लेना आप, ये आप करना, मैं जो मेथड बताया उससे डिवाइड करना, ऐसे करना। 630 डिवाइडेड बाई 11
तो क्या होगा, कर ही देता हूँ, एक बार आप 57 में इसको डिवाइड करोगे जो भी आएगा, और उसके बाद फिर वो 3/11 ये आएगा, 3/11 इसको आप कंटिन्यूस करना, वो आपको वर्क दिया मैं। दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा 57 डिग्री प्लस, ये तो कम्प्लीट डिवाइड हो गया है, तो 16 मिनट और प्लस अब 4/11 माने 4 में फिर 60 मल्टीप्लाई करोगे तो 240 में 11 को डिवाइड करने से आ जाता है, ये डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ मैं इसका, 22 मिनट 22 सेकंड, और डेसिमल में आता है उसको हम छोड़ दिए, तो ये लगभग 57 अंश 16 मिनट और 22 सेकंड ये होता है 1 रेडियन का वैल्यू, इसको आप याद करके रखोगे, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। 22 पॉइंट और कुछ आता है लेकिन डेसिमल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप उस मेथड से बराबर डिवाइड कर लेना, ये तो मैं पार्ट पार्ट में ब्रेक के करके कर दिया, ठीक है। तो ये एक रिलेशन ध्यान में रखना कि 1 रेडियन इक्वल इतना डिग्री मिनट सेकंड। अब हम देखते हैं इसका कन्वर्सन कि पाई को और रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप अभी बनाओगे ज़्यादातर क्वेश्चन उसी पर बेस्ड रहेगा, क्योंकि आज तो मैं केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, एक्सरसाइज तो हमेशा मेरे मैथ्स के पहले क्लास में मैं कॉन्सेप्ट अगले क्लास में एक्सरसाइज कराता हूँ, आपको पता है। देखो नोट पहला, रेडियन टू डिग्री, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमारे पास पाई बाय 3 रेडियन है, ये पाई बाय 3 रेडियन है और इसको मेरे को डिग्री में चेंज करना है, तो ध्यान रखना डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए इसमें 180 डिग्री बाई पाई का गुणा करते हैं, रेडियन टू डिग्री में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 डिग्री का गुणा, इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये रूल है। तो देखो मेरे पास पाई बाई 3 रेडियन था, उसको डिग्री बनाना था, तो मैं पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई किया, आगे इसको मैं साल्व करूंगा तो क्या है, पाई बाई कैंसिल हो जाएगा और 3/6 जा तो जाएगा 60 डिग्री, तो रेडियन आपको दिया रहेगा और आपको उसको डिग्री में बदलना है, तो पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है और बहुत यूजफुल है। दूसरा है डिग्री टू रेडियन, डिग्री को रेडियन में बदलना, ठीक उल्टा, सपोज मेरे पास 45 डिग्री है और इसको मेरे को रेडियन में चेंज करना है, तो ठीक उल्टा काम करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं अपन, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पर पाई बाई 180 का क्या करोगे आप, गुणा करोगे, क्लियर। तो 40 डिग्री को यदि डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाई 180 को मल्टीप्लाई करेंगे और आगे इसको साल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 जा कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन, इसीलिए 45 अंश को हम क्या लिख देते हैं, पाई बाई 4 रेडियन लिख देते हैं। तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो ये कन्वर्सन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, खासकर मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको रेडियन टू डिग्री, रेडियन को डिग्री में चेंज करना होगा, तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 बाई पाई, सॉरी इसको मैं उल्टा लिख लिया ना, 180 बाई पाई ये किया हूँ गुणा 180 बाई पाई, तो ये और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 का गुणा करते हैं, मतलब जब रेडियन में होगा तो पाई के फॉर्म में आंसर आएगा और डिग्री में होगा तो डिग्री के फॉर्म में आंसर आएगा। तो ये कन्वर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जैसे बहुत सारा आपको कन्वर्सन में कराऊंगा क्वेश्चन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके एक्सरसाइज। और आपको मेरा एक सजेशन है कि ट्रिग्नोमेट्री चूंकि हमारा स्टार्ट हो रहा है, 9th-10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, तो साइन थीटा कॉस थीटा से रिलेटेड जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको एक बार आप रिवाइज करिए, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट में जब ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीज़ों को स्टार्ट करूँ तो आप बहुत तेज़ी से उसको रिसीव कर सकें। ओके, थैंक यू।